नमस्कार दोस्तों, आज हम जानते हैं कि थ्री फेज स्टार डेल्टा जो स्टार्टर होता है पंप का, 5 से लेकर के 10 HP तक के पंप का जो स्टार्टर होता है उसके फॉल्ट्स को कैसे डिटेक्ट किया जाता है। तो देखिए, शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आपको करंट जो है वो तीनों फेज बराबर है, आ रही है कि नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा। अभी तो हम देख सकते हैं, ये देखिए तीनों लाइटें जल रही हैं, इसका मतलब तीनों फेज अभी है। अगर नहीं है, सिर्फ दो लाइटें जल रही हैं या तीनों जल रही हैं फिर भी स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, तो सबसे पहले दोस्तों तीनों फ्यूज़ को हमें चेक करना होगा। तो पहले ये देखिए, इस प्रकार से तीन फ्यूज़ होते हैं, ये तीन लाइन के तीन फ्यूज़ होते हैं, उन तीनों फ्यूज़ को हमें चेक करना होगा और ये देखना है कि उनके अंदर की तार अगर टूटी है, अगर टूटी है तो उसे हमें रिप्लेस करना होगा। उसके बाद में इसी प्रकार से तीन फ्यूज़ इस मेन स्विच में होते हैं, ये दोनों स्क्रू आपको निकालने होंगे और ये निकालने के बाद यहाँ पे 1, 2, 3 इसी प्रकार से जैसे यहाँ पे है, ऐसे तीन फ्यूज़ यहाँ पे भी मिलेंगे। उन तीनों फ्यूज़ की वायर्स आपको चेक करनी होगी, अगर वो तीनों करेक्ट है तो आपको आगे जाना है इस मेन स्टार्टर में। जब भी आप ये बटन दबाएंगे और आपका स्टार्टर, जैसे कि अगर कुछ आवाज़ कर रहा है तो इसका मतलब ये है, आवाज़ करके बंद हो रहा है, इसका मतलब किसी कॉइल में फॉल्ट है, ऐसा आप समझ सकते हैं। यह बहुत बार कॉइल में ही फॉल्ट हो जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसे अभी हम खोलते हैं। तो इसे खोलने के लिए इन चारों स्क्रू को, 1, 2, 3, 4 स्क्रू को निकालना होगा। निकालने के बाद ये पैनल आप बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों, हमने ये पैनल निकाल दिया है और ये देखिए हमारा स्विच है, ये स्टॉप का स्विच है, ये जो बाहर आपको दिखा रहा है ये स्टॉप का, ये स्टार्ट का। ये दोस्तों स्टार डेल्टा टाइप का स्टार्टर है और इसमें देखिए हमको क्या करना होगा, ये जो फ्यूज़ है बैकअप फ्यूज, उसको इस प्रकार से एक बार घुमा करके फिर से उसी पोजीशन पे लाना होगा फर्स्ट थिंग। फिर इस बटन को थोड़ा और एक बार प्रेस करना होगा और फिर स्टार्ट करके देखना होगा। अगर स्टार्ट करने के बाद इन दोनों में से कुछ भी आवाज़ नहीं आ रहा है, यहाँ पे कुछ आवाज़ आ रहा है, ये कॉइल एक्टिवेट हो रही है और ये नहीं हो रही है, सिर्फ यही हो रही है, इसका मतलब इस कॉइल में फॉल्ट है। और इसे कॉइल में फॉल्ट चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको मैन्युअली इसे ऊपर उठा के देखना होगा। अगर इसे आप मैन्युअली ऊपर उठाएंगे और इस ये उठाने के बाद आपकी ये कॉइल अपने आप उठ जाती है ऊपर, तो इसका मतलब इसी कॉइल में फॉल्ट है। तो कॉइल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इस स्क्रू को आपको निकालना होगा, ये वाला स्क्रू देखिए दोस्तों, ये वाला स्क्रू आपको थोड़ा प्रेशर दे करके निकालना होगा दोस्तों। ये देखिए, इसे निकालने के बाद ये पूरी असेंबली आपको इस प्रकार से बाहर निकल जाएगी। ये देखिए, फिर ये आपकी कॉइल है अंदर, ये देखिए ये कॉइल है, ये देखिए। फिर इस कॉइल को चेक करने के लिए आपको क्या करना है, ये इस स्क्रू को निकालना है, फिर इस स्क्रू को थोड़ा निकाल करके वायर को अलग कर देना है और फिर इस कॉइल को जो है हाथ से, ये देखिए इस प्रकार हाथ से प्रेस करके धीरे धीरे से नीचे खींचना है। नीचे खींचने के बाद ये कॉइल आपको निकल के बाहर आएगी। अगर कॉइल, अभी मैंने ये कॉइल मेरी फॉल्टी थी, इसको अभी मैंने चेंज कर दिया है दोस्तों, तो मैं आपको वो दिखाऊंगा। तो निकालने के बाद वो कॉइल आपको, ये देखिए अभी मैंने उसे फिर से बॉक्स में डाल दिया था, ये पुरानी वाली कॉइल है, इस प्रकार से कॉइल रहेगी आपकी। इस कॉइल को आपको
चेक करना है कि ये कॉइल खराब है या नहीं। तो इसे चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक कोई भी सादा सा मल्टीमीटर आपको चाहिए, कुछ ज़्यादा आपको नॉलेज की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, और कुछ इलेक्ट्रिशियन भी बनने की ज़रूरत नहीं। ये वाला एकदम सिंपल 150-200 रुपये में आपको मार्केट में ऑनलाइन मिल जाएगा। इस प्रकार के मल्टीमीटर को लेना है, फिर इसे कंटिन्यूटी पर सेट करना है। ये देखिए कंटिन्यूटी, ये जो है यहाँ पे जो डायोड का सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, ये है कंटिन्यूटी का। ये देखिए ये डायोड का सिंबल। फिर ये कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, वो चेक करेगा कि ये कंटिन्यूस वायर है कि नहीं। फिर ऐसा करने के बाद इन दोनों वायर को आप टच करेंगे तो कुछ नंबर पड़ेंगे और आपको एक बीप की आवाज़ सुनाई देगी। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब कंटिन्यूस है। तो इसमें जानते हैं दोस्तों, इस कॉइल जो होता है सिर्फ कॉपर का वाइंडिंग होता है, तो उस कॉपर का वाइंडिंग एक तरफ से इधर से निकाला गया होता है, फिर इसमें घुमा करके बहुत सारे वाइंडिंग दे करके इधर से निकाला हुआ होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, उस फील्ड की वजह से वो कॉन्टैक्ट्स को टच करता है ऊपर जाने के बाद। इतना सिंपल मैकेनिज्म है दोस्तों। तो आपको चेक करना है कि यहाँ से यहाँ तक सप्लाई जा रही है या नहीं, ये कंटिन्यूस है क्या नहीं। अगर कंटिन्यूस नहीं है इसका मतलब बीच में कहीं तार ब्रेक हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों, जब भी हम इसे यहाँ पे लगाएंगे, इसी तरह के हम चेक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे ये जो नंबर एक है वो चेंज हो के यहाँ पे डिस्प्ले में आपको कुछ नंबर आना चाहिए, जैसे 700, 800, 900, 1100 ऐसा चेंज होता हुआ नंबर, या फिर इस प्रकार से ये देखिए बीप की साउंड आनी चाहिए, वो नहीं आ रही है। इसका मतलब ये कॉइल ख़राब है। इस कॉइल ख़राब कॉइल को मैंने ऑलरेडी निकाल दिया है और अच्छी वाली कॉइल मैंने यहाँ पे लगा दी है। इसी प्रकार से आपको ये जो कॉन्टैक्ट है, ये देखिए ये वाले, ये 4 और 4 8 जो कॉन्टैक्ट है, इनको भी आपको हाथ से साफ़ करना है, या इसको हल्का सा पॉलिश पेपर भी आप लगा सकते हैं। इसी प्रकार से ये जहाँ पे टच होते हैं ऊपर यहाँ पे, उनको भी आपको हल्के से कपड़ा स्पिरिट या पॉलिश पेपर से हल्के से आपको क्लीन करना है। इसी प्रकार से तीनों आपको निकालने हैं दोस्तों। ये दोनों फर्स्ट और सेकेंड तो कॉइल सेम होती है, लेकिन तीसरे में एक टाइमर दिया हुआ होता है, जिसमें स्टार और डेल्टा का काम वो टाइमर करता है। जैसे ही आप यहाँ पे बटन दबाएंगे तो ये कॉइल एक्टिवेट और ये कॉइल एक्टिवेट हो जाएगी, और कुछ देर बाद वो टाइमर उसको डीएक्टिवेट कर देगा, और इसके बाद ये कॉइल डीएक्टिवेट होकर ये एक्टिवेट हो जाएगी, मतलब डेल्टा एक्टिवेट हो जाएगा और आपका मोटर स्पीड पकड़ के चलने लगेगा। पहले तो मोटर चलेगा, लेकिन एक मिनट के बाद वो डेल्टा में जाएगा और ज़्यादा स्पीड से चलने लगेगा। वो आप अगर कुछ आपको पंप या मोटर की नॉलेज है तो आप ज़्यादा उसमें जानकारी ले सकते हैं। तो उसके बाद ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार के टाइमर होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। एक टाइमर मेरे पास स्पेयर था, ये देखिए दोस्तों ये टाइमर है, ये टाइमर ये देखिए यहाँ पे लगा होता है इस साइड में। टाइमर को आपको जितना भी टाइम आपको, जैसे कि एक मिनट का टाइम डिफरेंस चाहिए स्टार और डेल्टा में, तो आपको उसे घुमा के यहाँ पे सेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरे पास यहाँ पे क्या हो रहा था कि इस टाइमर में थोड़ा सा फॉल्ट आ रहा था, फिर मॉइस्चर की वजह से इस टाइमर में भी फॉल्ट आने लगा, फिर मैंने उसे बाईपास बना दिया। जैसे कि यहाँ से इस ये जो कॉइल है, ये पूरी कॉइल अलग होती है और इसमें से दो अलग वायर निकलती हैं टाइमर के लिए। तो उस दोनों वायर को, उन दोनों वायर को जैसे कि आपको पहले शॉर्ट करना होता है और फिर एक मिनट के बाद ओपन करना होता है, इतना मैकेनिज्म ये टाइमर आपको कराता है। तो आप उसे मैन्युअली कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, यहाँ पे एक स्विच लगाया है मैंने जो उस कॉइल को मैन्युअली शॉर्ट कर देता है। और जैसे हमें एक आधा और एक मिनट आपको वेट करके
डेल्टा यानी स्पीड में जाना है, मोटर को चलाना है तो उसके लिए ये ओपन कर देना है। यहाँ पे जैसे ये आप ओपन कर देंगे तो ये दो नंबर की कॉइल एक्टिवेट हो जाएगी और जिससे कि ये डेल्टा का मोटर का कनेक्शन है वो एक्टिवेट हो जाएगा दोस्तों, और आपका मोटर स्पीड पकड़ के चलने लगेगा। स्टार डेल्टा में क्या होता है दोस्तों, पहले पंप को स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा फोर्स की एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और मोशन की ज़रूरत पड़ती है, उस मोशन को आपको स्टार से स्टार कनेक्शन से दिया जाता है उस मोशन को। जैसे ही मोटर मोशन पकड़ ले एक बार पूरी अपनी स्पीड, जैसे कि लगभग 80% तक की आपकी मोटर की स्पीड बढ़ने लगेगी तो अपने आप डेल्टा में स्विच कर सकते हैं। तो इसके लिए ये यहाँ पे टाइमर और इलेक्ट्रॉनिक बनाया है, इसे आप जैसे मैंने बताया वैसे आप इसे मैन्युअली भी करा सकते हैं, जिससे कि ये जो 400-500 रुपये इस टाइमर की कीमत होती है वो देने से आप बच सकते हैं। और ऐसे इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक भी टाइमर दोस्तों मिलते हैं, तो चॉइस बाकी आपका है, आप मैन्युअली करना चाहेंगे या ये आपको इलेक्ट्रॉनिक आपका कोई टाइमर आपको चाहिए ले सकते हैं। मैंने तो ये किया है क्योंकि मैं ही यहाँ पे ऑपरेट करता हूँ, इसके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आपके पास कोई लेबर वगैरह है जो ऑपरेट उसे करते हैं तो उसके लिए आपको मैकेनिकल या प्रिफरेबली आप इलेक्ट्रॉनिक टाइमर यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से करने के बाद आपके यही तीनों फॉल्ट होते हैं दोस्तों। फिर कॉइल भी अगर आपके कुछ प्रॉब्लम है तो आप ये भी निकाल करके चेक कर सकते हैं कंटिन्यूटी टेस्ट जैसे मैंने आपको दिखाया। फिर ये भी कॉइल आप निकाल करके इसको भी आप उसी प्रकार से टेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि जितना भी मैंने आपको बताया आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।